उप क्या होगा, किसका क्या काम होगा, ये सारे सवालों का जवाब खोजती देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में होगा भव्य मंदिर का निर्माण। मंदिर के लिए बनेगा ट्रस्ट। ट्रस्ट को बनानी होगी निर्माण की कार्य योजना। पीएम मोदी की भूमिका होगी अहम। सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला आ चुका है। अब विवादित भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। सूत्रों की माने तो नवंबर के अंदर ही ट्रस्ट का गठन हो सकता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में महज 6 लोग थे, उसी की तर्ज पर ट्रस्ट बन सकता है, लेकिन राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट में सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है। देखिए, ये सब जो विषय हैं, ये आंदोलन में जो लोग लगे हैं और सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन होगा और जो लोग जिनको जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देशित किया है, उस निर्देश को अक्षर से पालन करने का काम किया। बीएसपी ने स्पष्ट रूप से भारत सरकार से कहा है कि एक ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के लोगों को भी रखा जाए और निश्चित रूप से अयोध्या वासियों को रखा जाना चाहिए, हमारा तो ऐसा मानना है। माना जा रहा है कि आने वाले साल 2020 में फरवरी के आखिरी दिनों में मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके पहले ट्रस्ट और कार्य योजना तैयार होनी है। चर्चा है कि इस ट्रस्ट में पीएम मोदी की भूमिका अहम हो सकती है। ट्रस्ट के गठन और सदस्यों के चयन में पीएम मोदी की भूमिका रहेगी। साथ ही इस ट्रस्ट में राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद के अलावा समाज के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित लोग और राम मंदिर से जुड़े संगठनों के अलावा अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री ऑफिस से भी किसी को इसमें सदस्य बनाया जाए, क्योंकि मंदिर निर्माण पर पीएम मोदी की सीधी नजर रहेगी। ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि सभी सदस्यों का कार्य क्षेत्र बांटा जाए और उनकी जिम्मेदारी तय हो। जन्मभूमि न्यास के माध्यम से ही मंदिर का निर्माण होगा। राम जन्मभूमि न्यास और उससे जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, उनके माध्यम से ही मंदिर का निर्माण होगा। मोदी जी और योगी जी उसका समर्थन करेंगे। देखिए, कोर्ट का फैसला आ चुका है, मंदिर मस्जिद का दोनों का। सरकार ने कहा है कि हम ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट में किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये पक्षकार रखे जाए कि ना रखे जाए। हम तो यही चाहते हैं कि इस मसले को जो है, मसला तो जो है मंदिर और मस्जिद का है, पक्ष रख जो है ट्रस्ट बनाना काम सरकार का है, आदमी रखना उनका काम है। कहाँ के लोग को रखते हैं, कैसे रखते हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की है। मसला आया, निर्मोही अखाड़े की जो याचिका थी उसे भी खारिज कर दी गई, साथ ही सिया और सुन्नी की जो याचिका थी उन पर भी फैसले हुए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद निर्माण कैसे होगा, ट्रस्ट कैसे काम करेगा, ट्रस्ट में क्या उन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये तमाम सवाल है। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला आया। फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी। अदालत ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। अब उसी ट्रस्ट के निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। ये हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। संविधान के अनुसार उन्होंने निर्णय लेना है और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो सरकार ने तय करना है कैसे करना है। ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, ये जल्द ही साफ हो जाएगा, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया है, उसी में केंद्र सरकार को ये काम पूरा करना है। संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, अयोध्या।
इधर अयोध्या में प्रभु श्रीराम जब 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो उन्होंने अपने वनवास की शुरुआत अयोध्या से की थी और श्रीलंका में खत्म हुआ था। वनवास के दौरान श्रीराम जिन प्रमुख स्थानों पर रुके, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने उनमें से 200 प्रमुख स्थानों को पता लगाया है जहां जहां भगवान के जाने के संबंध में स्मारक स्थल विद्यमान है। कौशल्या के प्यारे दशरथ के लाल अयोध्या में जन्मे राम का अवतार इसलिए हुआ था संसारिक रूप से कि वो दुख सुख के जो संसार के पहलू हैं उसे दिखा सके और बता सके कि संसार में मानव के जीवन में किस तरीके के संघर्ष आते हैं। वो राजा दशरथ के बेटे होने के बावजूद भी 14 वर्षों का वनवास काटा, उस वनवास के दौरान वो कहाँ रहे, 14 वर्षों का जो वनवास उनका हुआ था उनको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास भी करते हैं कि किस तरीके से राजा रामचंद्र जी ने कहाँ कहाँ पर ये वनवास के दौरान वो 17 ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्होंने रुके और वहां पर वनवास के दौरान अपने तमाम जो क्रियाकलाप थे उनको किया। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख स्थान जहां पर इन तस्वीरों के माध्यम से उन्हें बताने का भी प्रयास करते हैं। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर थी जब यहां से वो अयोध्या से जब वनवास के लिए गए थे तो सिंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज था और कुरई गाँव सिंगरौर में प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयागराज पहुंचे थे। चित्रकूट धाम की कहानी पौराणिक कथाओं में खूब जानी जाती है। सतना चित्रकूट से ही सटा हुआ जनपद था, वहां पर भी उनकी कहानियों के जो पदचिन्ह हैं वो पाए जाते हैं। दंडकारण्य चित्रकूट से ही निकलकर दंडकारण्य गए थे राजा रामचंद्र जी और पंचवटी नासिक, नासिक में पंचवटी सर्वतीर्थ पर्णशाला, उसके साथ ही तुग्रभरदा, फिर सबरी का आश्रम, सबरी के आश्रम के बाद स्वयंमुख पर्वत, उसके बाद कोड़ी करई, हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने बानर सेना का गठन भी किया और लंका की ओर तब चल पड़े थे। उसके बाद रामेश्वर पहुंचे थे, रामेश्वर में पहुंच करके उन्होंने शिव जी की प्रार्थना आराधना की थी। उसके बाद धनुष कोड़ी, वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला था जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। उसके बाद आपको बताएं कि किस तरीके से श्रीलंका पहुंचे। उसके बाद रावण के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध के बाद वो सीधे वहां से, युद्ध के बाद जब सीता को वहां से छुड़ा लिया है और राम ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद उनका वनवास वहां से खत्म होता है और वनवास के बाद जब वो अयोध्या वापस आते हैं तो इसी अयोध्या में एक बार फिर से उनका भव्य स्वागत किया जाता है और भव्य स्वागत के साथ दीपावली का दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम जो होता है उसे मनाया जाता है। लेकिन इस बार 14 वर्षों की बजाय 350 वर्षों से अधिक का जो उनका संघर्ष था, जो राजा रामचंद्र का को न्याय के लिए कहीं ना कहीं गुहार थी वो खत्म हुई। अब राजा रामचंद्र त्रिपाल से निकलेंगे, एक भव्य मंदिर के में जाकर के विराजमान होंगे, उसकी प्रक्रिया का रास्ता वो पूरा खुल चुका है। केंद्र सरकार जैसे ही ट्रस्ट का निर्माण करेगी वो ट्रस्ट मंदिर के निर्माण को तेजी से गति देने का प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, अयोध्या।